तो बॉस पठान सिनेमा घर में तबाही मचा के भौकाल मचा के फाइनली आज OTT पे रिलीज कर दिया गया Amazon Prime पे। जहां सिनेमा घर में पठान का ड्यूरेशन 2 घंटा 26 मिनट था, वहीं OTT पे जब इसे रिलीज किया गया तो इसका ड्यूरेशन 2 घंटा 29 मिनट का, पूरे 3 मिनट एक्सटेंडेड है। तो ऐसा क्या बढ़ा दिया गया? आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा ही, आखिर कौन सा सीन एड करके इसे OTT पे रिलीज किया गया? अगर ये सीन अगर सिनेमा घर में एड करके डाला जाता तो कुछ इफेक्ट पड़ता या नहीं, बताएंगे हम यार। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। हालांकि मैं इस मूवी को सिनेमा घर में एंजॉय कर चुका हूँ, लेकिन मैंने इसे OTT पे देखा बस आप लोगों के लिए, ताकि मैं देख सकूं आखिर इसमें क्या एक्सटेंड करके दिखाया गया है। हालांकि ये सीन अगर ऐड भी कर दिया जाता तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ऐड करके मजेदार बनाया गया है। तो पहला सीन तो शाहरुख खान का एंट्री होता है और उसका साइड वाला पोर्शन जो कि उस सेकंड का काट लिया गया था, लेकिन यहाँ पे कुछ दिखाया गया जो कि कुछ ज्यादा ही ब्रूटल लग रहा है। दूसरा सीन ये वाला जब दीपिका पादुकोण से कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेट किया जा रहा है, लेकिन ये भी सीन हमें सिनेमा घर में नहीं दिखाया गया था। तीसरा सीन डिंपल कपाड़िया मैम का है, जब पठान और रशिया का टॉर्चर वाला सीन को एक्सप्लेन कर रही बता रही है। और चौथा सीन SRK का ही है, जब उस टॉर्चर को आपको देखने को मौका मिलेगा और ये काफी मजा आया ये स्पेशली ये वाला सीन देख के। ओवरऑल मैंने ये मूवी दूसरी बार देखा, एक सिनेमा घर में और एक OTT पे, और इसे मैंने फुल एंजॉय किया दोनों बार। और क्या आप चाहते हैं कि मैं शाहरुख खान के अपकमिंग मूवी पे वीडियो बनाऊं, तो ये भी नीचे कमेंट करके जरूर बता जाना।